हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आप सोच रहे होंगे कि ये गुलाब जल की शीशी, ये संतरा, ये नींबू, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो मैं आज आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपके साथ जो मैं लगाती हूँ ब्यूटी सीरम, आप उसे कह सकते हैं, मैं आपके साथ आज वो शेयर करूँगी। तो ये सब चीज़ें हमारे घर में होती है। देखो, नींबू हमारे घर में होता है, संतरा होता है और गुलाब जल हमारे घर में होता ही है। इनकेस अगर आपके घर में नहीं है तो आपको ये किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में आसानी से मिल जाएगा। और ग्लिसरीन तो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ क्योंकि मेरी स्किन है ड्राई और मुझे इसे पैरों के लिए भी यूज़ करना होता है। तो जो मैं आज ये बनाने जा रही हूँ, ये तो मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता, मुझे 10-15 साल हो गए हैं। जब मैं कॉलेज जाने लगी थी मैं तभी से इसे इस्तेमाल करती हूँ। और ये बहुत अच्छी ब्यूटी सीरम है क्योंकि मैंने पता क्या किया, एक बार मैंने मार्केट में पता किया, नहीं मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो विटामिन सी के जो सीरम है वो मैंने चेक किया कि छोटी छोटी शीशी 700-800 फिर रेट तो आगे बढ़ ही रहे थे, तो मैं तो अपना यूज़ करती थी। मैंने सोचा क्यों ना उसे ट्राई कर, पर मैंने ट्राई नहीं किया। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं इसे फटाफट। देखो, हमें करना क्या है, हमें जो नींबू है मैंने इसको दोनों को मैं धो के अच्छी तरह से लेके आ गई हूँ, तो हमें इसका बाहर का जो ये है छिलका है इसको हमें घिस के घिसना है। और इसका भी, इनकेस आपके पास ऑरेंज ना हो तो आप कीनू, माल्टा कुछ भी ले सकते हैं। अब ये क्या है, दोनों ही सिट्रिक एसिड फूड हैं ये दोनों के दोनों, तो इन दोनों का जो खट्टापन है ना, ये आपके चेहरे के जो डार्क सर्कल होते हैं और आपके चेहरे पे झाइयाँ होती हैं और अनइवन टोन होती है उसको एक जैसा करता है। और काफ़ी हद तक ये जो आपके डार्क स्पॉट है, जैसे मेरे आपको नज़र आ रहे होंगे, पिगमेंटेशन है जो मेरी, ये बहुत ज़्यादा डार्क थी मेरी। अब आप सोचेंगे कि मेरे तो है ये, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये होती है ना, क्योंकि मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर कहते हैं अगर आपके ये बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको ना पास से दिखाती हूँ, जरा कैमरे मैन से बोलती पास आओ, तो आपको ये देखो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा है नज़र, है ना? तो ये एकदम से नहीं जाते। अगर आप सोचोगे कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ तो मेरे तो हैं ये, पर ये आपके स्किन के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं तो ये अंदर कहीं डीप जाके होते हैं, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर से ये नज़र नहीं आ रहे तो ये ठीक हो गए और फिर हम कुछ भी करना छोड़ देते हैं उनकी एक्स्ट्रा केयर, तो फिर वापस आ जाते हैं, तो ये बहुत टाइम लेते हैं। और ये कि काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और जिनकी झाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं इससे, और अनइवन टोन है वो अच्छी हो जाती है। तो देखिए, अगर आप इसे लगातार इससे इस्तेमाल करेंगे, जैसे पेड़ पौधों को भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है ना, आप उनकी केयर करना छोड़ नहीं सकते, बस वही हाल है कि आप अपनी स्किन की भी जो है केयर नहीं करना छोड़ोगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में ख़त्म हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि कैसे क्या करना है। तो पहले ये जो नींबू है मैं इसको तो देखो मैंने ये बना दिया है। और इनके देखो नींबू अगर आपका सूख गया है और उसमें बाहर से नहीं निकल रहा, मेरा भी थोड़ा सा निकला, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे नींबू यूज़ करती हूँ ना, तो मैंने नींबू भी खींच लिया, ये नींबू का निकला है, ये ऑरेंज का है। तो आप नींबू का जैसे आप छिलका, आप नींबू यूज़ करते हो जो उसके छिलके होते हैं उसे मत फेंको, उसे बहुत बारीक बारीक चॉप करके गुलाब जल में डुबो दो। आप नींबू के जो छिलके हैं उनको बारीक बारीक छोटा छोटा करके आप उसे अपने गुलाब जल का जो आप बनाओगे सीरम उसमें यूज़ कर सकते हो, और सेम आप छिलके संतरों के साथ भी कर सकते हो। इनकेस अगर आपसे ये नहीं बन रहा तो आप क्या कीजिए, जो संतरा है ना उसके जो छिलके हैं उनको बारीक बारीक करके आप उसे गुलाब जल में डुबो के रख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी दिखाओ। तो ये गुलाब जल है मेरे पास, आजकल तो ऑर्गेनिक गुलाब जल भी आ गए हैं बहुत सारे ब्रांड के, तो मैं इसे इसमें रख दूँगी। ये शीशी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई। ये देखो मैंने ले लिया गुलाब जल और अब मैं इसमें डालूँगी ये जो मैंने नींबू का, ठीक है, मैंने नींबू का जो पीछे से घिस के रखा था उसे क्या बोलते हैं, जेस्ट बोलते हैं, तो मैंने रख दिया है। अब ये जो ऑरेंज का है मैं ये भी इसमें रख दूँगी। हाँ तो देखिए अब ये इसमें रख दिया है और मैं तो इसमें मिलाती हूँ ग्लिसरीन क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है
और मुझे गर्मियों में भी मैं यही वाला मतलब ग्लिसरीन यूज़ करके ही लगाती हूँ। इनकेस अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है गर्मियों में, मतलब बहुत ज़्यादा तेल निकलता है आपकी स्किन में, तो आप ग्लिसरीन को अवॉइड कर सकते हैं। और फिर आप विंटर में जब इसे बनाओगे तो आप इसमें ग्लिसरीन डाल सकते हैं। पर चूँकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं इसमें ग्लिसरीन यूज़ करती हूँ, क्योंकि देखो ग्लिसरीन का एक फ़ायदा ये भी है कि एक तो स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाता है, रिंकल को बहुत आने से रोकता है, बहुत जल्दी आने से रोकता है, प्लस स्किन को टाइट करता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चम्मच लेके आओ अर्नी। तो मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच ग्लिसरीन। कई बार आपकी स्किन होता है ना, जैसे कि आपने, क्योंकि इसमें संतरा भी है नींबू भी है, तो स्किन थोड़ी खिंची खिंची आपको होगी आपको। तो ये देखो मैंने मिला लिया है, और इसे आपको क्या करना है, 5-6 दिनों के लिए आप इसे रख के भूल जाइए। 5-6 दिनों के बाद आप इसे छान लेंगे और इसे एक साफ शीशी में भर के रख लेना। और करना क्या है आपको, रात को अपना चेहरा अच्छी तरह से क्लीन करके, सभी को पता है चेहरे को अच्छी तरह से धो के आप इसको यूज़ कीजिए। और मैं आपसे गारंटी से कह रही हूँ कि आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे ना 1-2 महीने तक, तो आप रिजल्ट खुद देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा है। इवन अगर आपने ग्लिसरीन नहीं मिला रखी तो आप इसे एज ए ब्यूटी सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी आप कोई भी क्रीम लगाते हैं ना, तो उससे सबसे पहले इसको लगाएं, और उसके बाद कोई भी आप जो भी क्रीम लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं। देखो हमारे चेहरे पे जो दाग होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि हम कहीं भी धूप में जाते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ कि पता होने के बावजूद भी सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं अपने चेहरे पे। हम सोचते घर में है तो सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, बाहर जाएंगे तो लगाएंगे, कई बार जल्दबाजी में वो भी नहीं लगाते, तो क्या होता है बहुत लंबे टाइम पे आपके धीरे धीरे ये आने शुरू हो जाते हैं। तो जो सनस्क्रीन जो आप लगाते हो, आजकल तो SPF 50 तक आ गया है, तो घर में भी लगाना चाहिए, और सर्दी हो या गर्मी हो जरूर लगाना चाहिए। अपनी स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर ये चीज़ें जो होती है आपको बहुत टाइम लेती जाने में। तो ये तो बन गया ब्यूटी सीरम, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आपने इसे लगाया तो आपको इसके फ़ायदे कैसे नज़र आए। चलो तो देखो, मैं तो ये जो छिलके ना मैं बेकार नहीं करती, अब ये निकल ही गए तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसे इसमें डाल देती हूँ। अभी जो मेरा नींबू का है वो नींबू का थोड़ा सा कम है, तो मैं नींबू के छिलके भी इसमें थोड़े से डालूँगी ताकि इसके रिजल्ट थोड़े से अच्छे रहें। और आपको क्या करना है, जैसे आप संतरे खाते हो कीनू खाते हो, तो मैं क्या करती हूँ उनके जो छिलके होते हैं, देखो मैंने ये कुछ दिए, देखो बहुत अच्छी तरह से सूख गए हैं, तो मैंने धूप में सुखाने के रखे थे, और मैं सोची आज मिक्सी में इसे पीस दूँगी, अभी और छिलके आएंगे उन्हें भी पीस दूँगी। तो इसको पीस के मैं एक शीशी में भर के रख लेती हूँ, कांच की शीशी में, और जब भी मुझे स्क्रब करना होता है तो मैं इसे भी स्क्रब करती हूँ। मैं वैसे दूसरे स्क्रब भी यूज़ करती हूँ मार्केट वाले, पर मैं ज़्यादा इसे ही करती हूँ स्क्रब अपने चेहरे के लिए। हाँ, तो इसे बंद करके 5-6 दिनों के लिए रख के छोड़ दूँगी, और इसको पीस के आप इसमें क्या करो, बेसन मिला लो, ठीक है, थोड़ी सी हल्दी मिला लो, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें थोड़ी सी मलाई मिला सकते हैं, अदरवाइज दही मिला सकते हैं, और शहद मिला सकते हैं, और इसे अपने चेहरे पर लगाइए। हफ्ते में 2 बार यूज़ कीजिए, ज़्यादा मत करिए यूज़, हफ्ते में 2 बार यूज़ कीजिए, और ये बहुत अच्छा होता है। मुझे जब लगाती हूँ ना मेरी स्किन मुझे बड़ी सॉफ्ट नज़र आती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो टिप है ये पसंद आई होगी। और वैसे भी देखो हर चीज़ के जो रिजल्ट है एकदम जल्दी मिलते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे नहीं होते, तो फल जो है वो धीरे धीरे ही मिलता है, तो तभी असरदार भी होता है वो। तो इसके रिजल्ट मिलेंगे आपको, धीरे धीरे मिलेंगे, पर आप इसे यूज़ करना ना छोड़ें। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा स्किन केयर टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।